लोग प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में पढ़े हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, ये साइकिल्स को बताता है, कंपाउंड्स में साइकिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में साइकिल्स है तो हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस में साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लो यूज करेंगे, उससे पता चलेगा कि कंपाउंड्स में साइकिल है या नहीं, ये साइक्लो से पचलता है। प्राइमरी प्रीफिक्स पे साइक्लो को यूज करते हैं। तो वर्ड के बारे में हम लोग पढ़े, प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में पढ़े, अब प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर साइकिल है तो प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस में साइक्लो यूज करते हैं। साइक्लो का स्पेलिंग है CYCLO, तो वो हमें बताता है कि वो साइकिल्स उसमें है या नहीं, हमें पता चल जाता है उस कंपाउंड्स में। तो जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि साइक्लो का यूज हम लोग कैसे करते हैं। सपोज एग्जांपल्स लेते हैं, इसमें सपोज हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में रिवाइज करवा देते हैं एक बार। ये कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। ये पता है जो हर एक नोड होता है वो कार्बन को इनवर्ट करता है, ये नोड आता है ये कार्बन को डिनोट करता है, और ये कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बताता है, ये कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को बता रहा है, ये कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को बता रहा है, दो कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को बता रहा है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3। तो ऐसे केस में हम लोग साइक्लो यूज करते हैं आईओपीसी नेम लिखने के लिए। तो साइक्लो, तो ऐसे केस में तो हमारा वर्ड रूट क्या हो जाएगा, वर्ड रूट इसमें तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए प्रोब यूज करते हैं हम लोग। तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट हम लोग प्रोब यूज करते हैं। और प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए ये सैचुरेटेड है, मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड इस कंपाउंड से नहीं है। तो वैसे कि इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस में, प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस में तो साइक्लो यूज करते हैं, लेकिन प्राइमरी सुफिक्स के प्लेस में, सुफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी सुफिक्स के प्लेस में जब सिचुएशंस होता है डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, वैसे केस में AN यूज करते हैं। तो हम लोग का प्राइमरी सुफिक्स क्या हो गया, ANE, ठीक है, ANE हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। और ये साइकिल्स है, साइकिल्स है तो साइकिल्स से भी हमको दिखेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो उसका आईओपीसी नेम लिखने से केवल उसके प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस पे साइक्लो यूज करेंगे, उसके प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस में साइक्लो यूज करेंगे। इस तरह प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा साइक्लो हो गया। अब तक हमें पढ़े जिसमें किस कंपाउंड्स में वर्ड रूट आते थे या प्राइमरी सफिक्स आते थे, लेकिन हम लोग आगे स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, इसमें प्रीफिक्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्जांपल्स, वैसे एग्जांपल्स को कंसीडर कर रहे हैं, वैसे एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं, वैसे एग्जांपल्स का आईओपीसी नेम लिख रहे हैं जिसमें सिर्फ प्राइमरी प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स है। जब हम लोग प्रीफिक्स पढ़ लेंगे उसके बाद वैसे एग्जांपल्स को इंक्लूड करेंगे जिसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स भी होगा, तो जब पढ़ लेंगे उसके बाद, तो उसके बाद हम लोग ऐसे भी एग्जांपल्स को इंक्लूड करेंगे जिसमें सेकेंडरी सफिक्स होगा, फिर ऐसे एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे जिसमें सारे कुछ होगा, सारे कुछ होगा। इस तरह हम लोग और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। बेसिक नोटेशन में जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारे रूल्स हैं। फर्स्ट टाइम जो भी रीडर होता है बेसिक नोटेशन उसको ऐसा ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होता है, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आगे पढ़ते जाते हैं, तो उसमें जब नाम लिखते लिखते हमारा इतना प्रैक्टिस हो जाता है, ऐसा लगता है इसमें कुछ ही रूल्स है, 5, 10, 15 ही रूल्स है ऐसा लगता है, मतलब 10 रूल्स, 11 रूल्स, 10 रूल्स, 11 रूल्स ऐसे आपको इतने ही रूल्स लगता है। मतलब इसमें रूल्स थोड़ा है लेकिन मतलब सिंपल से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये पढ़ते जाएंगे सारा कुछ ना, जो लास्ट में जो एनालाइज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उस वक्त हमें पता चल जाएगा कि ज़्यादा रूल्स नहीं है इसमें, और जिसे हम लोग कर सकते हैं इजीली, अंडरस्टैंड करके इजीली बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। लोग भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग्स, किधर में ए भूल जाते हैं, किधर में ई भूल जाते हैं, थोड़ा सा कभी कभी प्रीफिक्स भूल जाएंगे, कभी सफिक्स भूल जाएंगे, कभी डाई भूल जाएंगे, ट्राई भूल जाएंगे, मतलब इससे थोड़ा सा ये प्रैक्टिस वाला चीज़ है। और इसमें कुछ भी मतलब है नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है, बहुत सारे नॉलेज है मैथमेटिक्स से, सारे फॉर्मूला आते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत होता है।
उसने ये नवलिकेशस भी पहला चैप्टर उसका प्रैक्टिस का, तो इसका मतलब ये भी है कि नवलिकेशस में 1 month को नवलिकेशस ही पढ़ते रह रहा है, ऐसा नहीं है। वो जो 2-3 क्लास होते हैं, दो तीन दिन स्टार्टिंग सबको भी, अगर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा है तो नवलिकेशस को 2 या 3 दिन मैक्सिमम पढ़ सकता है, उसके बाद वो आगे प्रोसीड करे, आगे चैप्टर्स को पढ़े और धीरे धीरे इधर भी वो समझते जाएगा, क्योंकि नवलिकेशस का हर एक चैप्टर्स में काम है, हर एक चैप्टर्स में कंपाउंड्स का नेम लिखना होता है, उसको उसको रिवाइज करके फिर से नवलिकेशस को लिख सकता है अगर भूल गया हो तो रूल्स पे या कुछ भी। इस तरह हमारा नवलिकेशस ऑटोमेटिक से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह आगे के एग्जाम्पल्स को देखते हैं साइकिल में, ये इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका आईओपीसी नेम क्या हो गया, साइक्लो साइक्लो प्रो एन साइक्लो प्रोपेन। यहाँ वर्ड में ए एड नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए एन ई से ए से स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे वर्ड में ए एड नहीं कर रहे हैं। और अभी कुछ ऐसा एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, सपोज इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 नोड है, 1, 2, 3, 4। ये सब हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में दिखा रहे हैं, आपको पहले बता चुके हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं। तो जितने भी ऐसे नोड बनते हैं इस टाइप के नोड्स, उसमें कार्बन एटम्स होते हैं, कि कार्बन एटम्स में 4 कार्बन एटम्स है, ये साइकल्स है, तो उसका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, साइकल्स का साइक्लो होगा। और वर्ड रूट क्या होगा, 4 कार्बन एटम्स है तो उसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और जैसे कि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस में ए एन ई लिखते हैं। और इस कंपाउंड्स में कुछ भी नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है और सेकेंडरी सुफिक्स भी नहीं है, तो सिर्फ इसमें 3 चीजें हैं, तो 3 चीज को हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, और प्राइमरी सुफिक्स क्या हो गया, ए एन ई हो गया सैचुरेटेड के लिए। तो इसमें इसी में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और ये जहाँ पर हम लोग सीख गए हैं इसको मिटा देते हैं। इसमें क्या था, इसमें वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट हो गया, 4 कार्बन है, इसमें प्राइमरी सफिक्स ए एन ई हो गया और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो गया, साइक्लो हो गया। तो इसमें आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ब्यूट हो जाएगा। बस यहाँ पे ब्यूट हो गया, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन इसका आईपीसी नेम हो गया। उससे हम लोग आगे एग्जाम्पल्स लेते हैं, आगे समझते हैं, आगे सीखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट। और जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, इसमें क्या हो गया, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन। तो ये साइकल्स दिख रहा है, यानी इसका प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो होगा। अब 5 कार्बन से इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा, पेंट होगा, और इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वैसे ही इसके लिए हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स ए एन ई यूज करते हैं। उसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पेंट हो जाएगा 5 कार्बन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आईपीसी नेम जो लिखेंगे तो यहाँ पे पेंट लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस यहाँ पे लग रहा है, स्पेस नहीं है। साइक्लोपेंटेन, ये हमारा साइक्लोपेंटेन हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब साइकल्स ऐसे बोल साइकल्स को लिख सकते हैं। अब अगर ऐसा हो गया कंपाउंड्स, ऐसा कंपाउंड होगा, ऐसा कंपाउंड होगा, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन एटम्स। इसके केस में क्या हो जाएगा, हमारा हेक्स हो जाएगा, यहाँ पे वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स होगा। बाकी साइक्लो इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ए एन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसके सैचुरेटेड है। तो ऐसे केस में हम लोग का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, और साइक्लो होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ए एन ई हो जाएगा। तो हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स
साइक्लोहेक्सेन, हमारा पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब कुछ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स भी है, डबल बॉन्ड्स भी इंक्लूड होता हो। तो सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स में, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये तो सैचुरेटेड होगी, सैचुरेटेड नहीं रहा, सैचुरेटेड मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड्स इसमें नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड्स भी है, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड हो गया तो डबल बॉन्ड्स वाला अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन का मतलब कि डबल बॉन्ड्स है या ट्रिपल बॉन्ड्स है तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, तो इसमें डबल बॉन्ड्स है। तो डबल बॉन्ड जब अनसैचुरेशन रहता है, अनसैचुरेशन रहता है, वैसे केस में हम लोग जो प्राइमरी सफिक्स के प्लेस में ई एन ई यूज करते हैं, इन, ई एन ई, ई एन ई स्पेलिंग अलग है, इन, ई एन ई, तो प्राइमरी सफिक्स तो ई एन ई हो गया। तो इसमें हम प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस में हम लोग साइक्लो यूज करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस में, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लेस में साइक्लो ही रहेगा, साइक्लो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे केस में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में हम लोग इसका नंबरिंग करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब एक सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स में है तो ये तो हम लोग समझ सकते हैं कि उसका स्टार्टिंग से नंबरिंग करेंगे, उस डबल बॉन्ड से स्टार्टिंग से होगा, यानी इसका नंबरिंग करते हैं तो वन ही होगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, इसमें लिखने को जरूरी नहीं है, नंबरिंग करना जरूरी नहीं है। लेकिन नंबरिंग कर दिए तो गलत भी नहीं होगा, अगर नंबरिंग करके भी लिखे हमारे नाम तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे बता दे रहे हैं नंबरिंग करके, 1 2 3 डबल बॉन्ड इंक्लूड कर रहा है, तो ऐसे केस में प्राइमरी, तो इसमें क्या होगा, ऐसे केस में इसका वर्ड क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एटम्स है, कार्बन एटम्स में चेंज नहीं हुआ है, तो कार्बन एटम्स का 3 क्या होता है, प्रोफ होता है, कार्बन एटम्स कुछ नहीं होता है, स्लिप प्रोफ होता है, प्रोफ वहां पर लिख दिया, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स के प्लेस में क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड्स है, तो प्राइमरी सफिक्स के प्लेस में हमको ई एन ई लिखना होगा, ई एन ई, जो पोजिशन दिखा सकते हैं इसमें ई एन ई, या डायरेक्टली हम लोग ई एन ई लिख सकते हैं, पोजिशन दिखा सकते हैं, या डायरेक्टली उसका नाम ई एन ई लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स मेरा साइक्लो रहेगा, क्योंकि ये साइकिल्स है, तो आई यू पी सी जब नेम लिखेंगे हम लोग, जब लोग आई यू पी सी नेम लिखेंगे इस कंपाउंड का, आई यू पी सी नेम, हम लोग आई यू पी सी नेम लिखेंगे इस कंपाउंड का, तो उस केस में साइक्लो प्रो ये भी लिख सकते हैं, या तो फिर प्रो इन, यहाँ पे वर्ड रूट का जो प्रोप है उसमें ए एड नहीं होगा, क्योंकि ये ई से स्टार्ट हुआ है, 5 लीटर्स बताए, अगर उससे स्टार्ट होगा तो ए नहीं लगेगा, और 5 लीटर्स क्या वो उससे स्टार्ट होगा तो ई नहीं लगेगा, ऐसे डाई ट्राई टेट्रा लगेगा, तभी वहाँ पे वर्ड रूट में ए आता है, अगर प्राइमरी सफिक्स में डाई ट्राई टेट्रा ऐसा वर्ड यूज होगा तभी हम लोग वर्ड रूट में ए एड करेंगे, लास्ट में वर्ड रूट का ए, तो ये इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा हम लोग ये मेनली साइक्लो तो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स में, हम लोग थोड़ा नंबरिंग करना भी इसमें सीख रहे हैं, नंबरिंग कैसे करना है, ऐसे पोजिशंस को डिनोट करना है किसी भी कंपाउंड्स का, सपोज ऐसा रहा, सपोज ऐसा रहा, तो इसमें नंबरिंग करने के लिए वन एक एक बॉन्ड होता तो हम लोग नंबरिंग करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि स्टार्ट से नंबरिंग वहीं से होगा। तो ऐसा केस में देखिए दोनों सिमेट्री है, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो दो पॉसिबल वे ऑफ नंबर नहीं आएगा, दो पॉसिबल सेट नहीं आएगा, सिर्फ एक ही सेट पॉसिबल इसमें होगा। अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, यानी 1 पे ये डबल बॉन्ड्स आ रहा है और 2 3 3 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, अगर नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 1 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है और 3 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, मतलब जहाँ से भी नंबरिंग करेंगे, अगर यहाँ से भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो 1 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है और 3 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, यानी जितने तरह से हम नंबरिंग करेंगे सिर्फ एक ही पॉसिबल सेट इसमें नंबरिंग है, 1 पे डबल बॉन्ड्स आएगा आपका और 3 पे डबल बॉन्ड्स आएगा, आपके दो जगह ही डबल बॉन्ड्स आएंगे दो पोजिशन में, तो आपको दो पोजिशन में
प्राइमरी सफिक्स को दिखाना होगा। ऐसे केस में वर्ड रूट क्या लेंगे, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 कार्बन है तो नंबरिंग भी कर सकते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हमारे वर्ड रूट कितना होगा, ब्यूट हो जाएगा। वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट हो गया, वर्ड रूट हमारा ब्यूट हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, इसके प्लेस में प्राइमरी सफिक्स में इसके पोजीशंस को हम लोग डिनोट करना होगा। 1 और 3 पोजीशन में डबल बॉन्ड्स है, इसमें 1, 3 डाई इन, 1, 3 डाई इन यूज करेंगे। डाई इसके दो बार डबल बॉन्ड्स आया, इस केस में डाई इन यूज करेंगे, DIENE। अच्छा जानते हैं जब डाई ट्राई टेट्रा ऐसा अगर प्राइमरी सफिक्स में एड होता है, प्राइमरी सफिक्स में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं तो वैसे केस में वर्ड रूट में ए एड हो जाता है लास्ट में, तो यहाँ पे इसका वर्ड रूट का लास्ट में ए एड हो जाएगा, ये वाला ये यहाँ पे एड हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो ऐसे केस में प्राइमरी सफिक्स हमारा साइक्लो रहेगा ही, तो वैसे केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो से स्टार्ट होगा, इसका नाम ही साइक्लो से स्टार्ट होगा, साइक्लो ब्यूट, ब्यूट 1, 3 इसमें ब्यूटा होगा, ब्यूटा 3 डाइन, साइक्लो ब्यूटा 1, 3 डाइन। हम आपको साइक्लो का जितने पॉसिबल साइड सब कुछ बता रहे हैं, तो इसमें साइक्लो ब्यूटा यहाँ पे ए एड हुआ ए, और 1, 3 डाइन DIENE दो बार डबल बॉन्ड्स है, इसके लिए हम लोग डाइन यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है नंबर्स के बीच में कोमा होता है, और नंबर और वर्ड के बीच में जो लेटर्स होता है उसके बीच में डेस होता है, यहाँ पे डेस दिखाया गया है। और सबसे पहले स्टार्टिंग से भी होगा नेमिंग, तो वो कैपिटल्स होगा, बाकी सारा स्मॉल्स होगा। यहाँ पे हम लोग कैपिटल्स लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम लोग कैपिटल्स लिखेंगे, वो तो इस तरह लिखे थे साइड में इसने लोग बता दिए, लेकिन यहाँ भी स्मॉल या कैपिटल लिख सकते हैं, वो तो हमारा मेन है, हमारा ये मेन है। इसमें हमको सी हमेशा कैपिटल होगा, सी इसलिए कैपिटल होगा क्योंकि इधर से स्टार्ट हो रहा है, पहला जो भी स्टार्ट होगा वो हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर में मतलब बड़ा लेटर्स होगा, वो बड़ा लेटर सी यहाँ पे लिखेंगे, बाकी सारा स्मॉल्स होगा। और कहीं भी स्पेस नहीं होगा, स्पेस मतलब कि यहाँ पे स्पेस दे दिए हैं, ए के बीच में स्पेस, टी और ए के बीच में स्पेस, कुछ एक लेटर लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ भी कहीं भी स्पेस नहीं होगा। अब हम लोग कुछ एक आगे ही वापस पढ़ते हैं, अब दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स में कि पोजीशंस को थोड़ा रिवर्स करने में थोड़ा ठीक है, इसका पता है साइक्लोहेक्सेन होता है, हम बताएं पहले साइक्लो साइकल्स, इसलिए प्राइमरी सफिक्स साइक्लो होगा, और 6 कार्बन एटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम्स है, इसलिए इसका हेक्स होगा वर्ड रूट, और इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड्स नहीं है इसलिए इसका एन होगा, इसलिए हम लोग साइक्लोहेक्सेन इसका नाम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ डबल बॉन्ड्स वगैरह इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे सपोज दो जगह पे डबल बॉन्ड्स है तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग जितना भी पॉसिबल तरह से नंबरिंग कर सकते हैं वो नंबरिंग करके हम लोग देखते हैं, और किस किस जगह पर डबल बॉन्ड्स आ रहा है वो चेक करते हैं और वो लिखते हैं। अगर नंबरिंग सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड्स कहाँ पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। डबल बॉन्ड्स कहाँ पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है और 5 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, ऐसे केस में। और भी तरीका नंबरिंग कर, और तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पॉसिबल तरह से जितने पॉसिबल तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड्स को, उतने तरह से आप करके चेक करें कि लिस्ट कौन आ रहा है, लिस्ट नंबरिंग कौन सा आ रहा है, लिस्ट नंबरिंग में लिस्ट नंबरिंग कहाँ हो रहा है। हमारा नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर इस तरह से नंबरिंग करते हैं तो हमारा डबल बॉन्ड्स कहाँ पर आ रहा है, 1 पोजीशन पर आ रहा है और यहाँ पे 5 पोजीशन में आ रहा है। इसमें भी क्या हो गया, 1 और 5 हो गया, यानी ये नंबरिंग भी वही है और इसमें डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेगा ना या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेगा, ये हमें सेम पोजीशन दे रहा है तो ये दोनों सेम है। ये दोनों चीज हमारा सेम है,
दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, ये सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तरह से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड्स 1 पे आता है और 3 पे आता है, ठीक है। यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है और 3 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, तो 1 और 3 मिल लीजिए। अगर नंबरिंग यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो 1 पे डबल बॉन्ड्स आता है और 3 पे डबल बॉन्ड्स आता है, वो भी सेम तरह। इसलिए कि तो इसमें हम देख लिए सिर्फ दो तरह से पॉसिबल है इसमें नंबरिंग करना, दो तरह से पॉसिबल है नंबरिंग करना। तो उसमें हम लोग फिर देखेंगे कौन सा नंबरिंग सही पोजीशंस को डिनोट किया है, जो पोजीशंस डबल बॉन्ड्स का कौन सी नंबरिंग में सही डिनोट हो रहा है। तो हमें लिस्ट का जो प्रायोरिटी होता है, जो लिस्ट होगा वो ज़्यादा सही होगा। तो इसमें क्या, पहला पोजीशंस 1 1 दोनों का सेम है, तो हम लोग पोजीशंस पहला सेम होगा तो दूसरे पोजीशंस में जाएंगे। दूसरे पोजीशंस में क्या आ रहा है, 5 है, यहाँ पे 3 है, यानी यहाँ 3 5 से कम है। और जो लिस्ट होता है उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, वो नंबरिंग हमारा सही होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है डबल बॉन्ड्स का, वो सही होता है। तो ये हम लोग सेकेंड टाइप का जो नंबरिंग किया ना, जो नंबरिंग यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग किया हुआ है, ये हमारा सही है। तो 1 और 3 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और हम लोग लिखेंगे, तो 1 2 3, तो ये हमारा नहीं लेंगे। तो इस केस में जब हम लोग वर्ड वुड लिखेंगे, इसमें 6 कार्बन आइटम्स, तो वर्ड वुड क्या हो जाएगा, इसका हेक्स हो जाएगा। अब प्राइमर सफिक्स क्या होगा, में ई एन यूज करेंगे प्राइमर सफिक्स के लिए, लेकिन इसमें टाई यूज करेंगे क्योंकि दो बार डबल बॉन्ड्स आया हुआ है इसमें, ठीक है। तो डबल डबल बॉन्ड्स आया है तो यहाँ प्राइमर सफिक्स के प्लेस में क्या करेंगे, हेक्स यूज करेंगे, हेक्स यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स के वर्ड वर्ड के प्लेस में, हेक्स यूज किए हुए। और जैसे कि इसमें 6 कार्बन आइटम्स है, हेक्स यूज किए, और 2 डबल बॉन्ड्स है, तो इसमें प्राइमरी सफिक्स में इन यूज करेंगे और डाई लगाएंगे। तो डाई लगाने के बाद यहाँ पे 1 3 पोजीशन पे 1 3 पोजीशन लिखा हुआ है डाई, और डाई लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ वर्ड वर्ड में ए एड किया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस में साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अगर साइक्लो है तो साइकिल्स लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा नाम क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हेक्स चेंज करना होगा, आप लोग फिर से लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसमें रिप्लेस कर रहे हैं हेक्सा, साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइन, ये हमारा लिखना है, ठीक है, साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइन। सब इसी कंपाउंड्स में यहाँ पे सब एक बॉन्ड्स और आ जाता है, सब इसी कंपाउंड्स में एक बॉन्ड यहाँ पे और आ जाता है। ऐसा कैसे नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग तो किया हुआ 1 2 3 4 5 6, इसमें जितना भी तरह से कर ले एक ही पॉसिबल वे ऑफ नंबरिंग है। कहीं से एक बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, आपको हर जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, हर जगह नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड्स का पोजिशन वही आ रहा है, 1 पे आएगा, 3 पे आएगा और 5 पे आएगा, जहाँ से भी स्टार्ट करें। अब यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, 3 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, 5 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, 1 3 5। अगर आप यहाँ से स्टार्ट किया नंबरिंग करना तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे डबल बॉन्ड्स आएगा, 3 पे आएगा और 5 पे आएगा, यानी आप जितने भी तरह से करेंगे तो 1 3 5 पे आएगा। अगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस किए हुए हैं, अगर हम लोग थोड़ा कुछ कंपाउंड्स का प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा एक बार ही देखने में बता देंगे कौन सा नंबरिंग किस तरह से नंबरिंग किया जाए कि हमारा सही होगा और प्रायोरिटी में आएगा, अगर एक बार देखने से बचल जाता है। लेकिन अब कुछ प्रैक्टिस कंपाउंड्स करना होता है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ऐसा बना रहे हैं, बेसिक थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश सीख रहे हैं, तो वैसे कि इसमें जितना भी तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं वो नंबरिंग करके आप लिख लीजिए, पोजीशंस को बता लीजिए कौन से पोजीशंस में कौन सा बॉन्ड्स आ रहा है, और उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए कंपेयर करके, वरना मिस्टेक्स होने का पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए 1 3 5 इसका 3 पोजीशंस हुआ। ऐसे केस में जब 3 पोजीशन बाद डबल बॉन्ड्स आता है तो ट्राई यूज करते हैं, ट्राइन TRIENE, तो यहाँ पे हमें ट्रस्ट चेंज करना होगा, 1 3 5 TRIENE ट्राइन, इसमें तो हेक्सा हुआ क्योंकि 6 कार्बन आइटम्स, इसलिए इसमें हेक्सा हो गया, और टी यहाँ पे ट्राई यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा, वर्ड वुड ए होगा। अब प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो रहेगा और आईओपी नेम क्या हो जाएगा हमारा, 1 3 5 ट्राइन, 1 3 5 ट्राइन, साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राइन, हम लोग आईओपी नेम में हम लोग लिखेंगे।
इस तरह और भी एग्जांपल्स को हम लोग देख सकते हैं, इसमें डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों साथ में आता है। तो सपोज इसका हम लोग कॉमन नेम भी जान लेते हैं, इसका स्पेशल केस हम लोग इसके बारे में, ये हम लोग कॉमन नेम इसका होता है बेंजीन, बेंजीन इसका कॉमन नेम होता है। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है केमिस्ट्री, मतलब ये है तो बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में, सुनना है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, यहाँ पर कॉमन नेम ये हमें याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेंजीन बोलते हैं इसको। इसका कॉमन नेम बेंजीन होता है, BENZENE, बेंजीन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका याद कर लिए अच्छे से, इसका कॉमन नेम बेंजीन होता है। ऐसे इसको याद बेंजीन नहीं भी करेंगे तो इसको इतना पढ़ना है, इतना ज्यादा पढ़ना है कि आपको बेंजीन ऑटोमेटिक से याद हो जाएगा, नहीं भी याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा ये चीज है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम अब दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं, इसमें काउंट कर सकते हैं कितने कार्बन एटम्स हैं, इसमें कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम्स है। अगर सिर्फ इसका नाम लिखना हो तो क्या होगा, साइक्लो ऑक्टेन, साइक्लो प्रीफिक्स के लिए, प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए, ऑक्ट होगा इसके वर्ड के लिए, और प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस के लिए ANE होगा, साइक्लो ऑक्टेन इसका होगा। लेकिन अगर इसमें सपोज केस करते हैं, यूज करते हैं, अगर डबल बॉन्ड्स यहाँ पे आता और डबल बॉन्ड्स यहाँ पे आता तो नंबरिंग आप जहाँ से भी करें सेम ही होगा। अगर नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है और 5 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, अगर नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, सेम चीज है, यहाँ से नंबरिंग करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, सपोज नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, जहाँ से भी करेंगे 1 और 5 पे ही डबल बॉन्ड्स आएगा। अगर इसका नाम लिखना होगा 1 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है और 5 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, ठीक है, और कोई उसी बारे में नंबरिंग करना इसका नहीं है, तो इसका नाम लिखना होगा तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा, और प्राइमरी सिक्स क्या होगा 1 और 5 डाइन, 1 5 डाइन होगा, और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, साइक्लो हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ऑक्ट 1 5 डाइन, साइक्लो ऑक्ट 1 5 डाइन इसका नाम हो जाएगा। लेकिन ये तो डबल बॉन्ड्स था, अगर इस कंपाउंड्स में अगर ट्रिपल बॉन्ड्स अगर आ गया तो हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, सपोज कंपाउंड्स में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ गया तो नंबरिंग जस्ट भी करें वन, अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, अब 5 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है। और भी कोई पॉसिबल तरीका है इसका नंबरिंग करने का, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। नंबरिंग यस करें, सपोज नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8, तो चेंजिंग कुछ हो रहा है, हम लोग चेक करते हैं। अगर नंबरिंग हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड्स यहाँ पर आ रहा है, 1 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, 5 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, 7 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, तो 1 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, 5 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, और 7 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, दो पॉसिबल हुआ। और इसमें कोई पॉसिबल तो सब करके चेक कर सकते हैं, और कोई पॉसिबल वेव नंबरिंग है, अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो 1 क्या आएगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड्स, आपको हम लिख के बता देते हैं। अगर नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं
ऐसे हम लोग डबल बाउंस को प्रायोरिटी देना है, जब भी स्टार्ट करें डबल बाउंस में ट्रिपल बाउंस है, हम लोग स्टार्ट जहाँ से भी करेंगे डबल बाउंस से स्टार्ट करेंगे। तो डबल बाउंस को अगर कंसिडर करते हैं तो दो तरीका ही इसमें नंबरिंग करने का, और कोई तरीका इसमें है ही नहीं नंबरिंग करने का। तो ऐसे केस में हम लोग करते हैं, वन पे डबल बाउंस आ रहा है, ये इक्विवेलेंट पोजीशन हो रहा है, दो पॉसिबल वे हुआ, तो इसको कंपेयर करेंगे तो वन पे डबल बाउंस आ रहा है, यानी अब आगे बढ़ेंगे तो ये इक्विवेलेंट हो गया। तो थ्री पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बाउंस आ रहा है, फाइव पे डबल बाउंस आ रहा है, तो ये तो थ्री पहले आ रहा है, कोई पहले तो बाउंस आना चाहिए। अगर बाउंस अगर आ गया इसमें डबल बाउंस, ट्रिपल बाउंस अगर दोनों आ गया उसी पोजीशन पे सेम पोजीशन में, तब हम लोग कंपेयर करते हैं, तब हम लोग डबल बाउंस को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ऐसा कैसे क्या है कि थ्री पोजीशन में बहुत जल्दी इसमें पहले आ रहा है, ट्रिपल बाउंस आ रहा है, हम सब बाउंस तो आ रहा है, ट्रिपल बाउंस आ रहा है, तो इसलिए हम लोग ऊपर वाले को प्रायोरिटी देंगे, नीचे वाले को प्रायोरिटी नहीं देंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। यहीं पर ये फाइनल हो गया कि ऊपर वाला नंबरिंग है, ऊपर वाला नंबरिंग वो हमारा सही है। तो वन पे डबल बाउंस आएगा, थ्री पे ट्रिपल बाउंस आएगा, फाइव पे डबल बाउंस आएगा। तो वैसे केस में तो इसका सही नंबरिंग करके दिखा देते हैं, हमारा नंबरिंग ये वाला सही नहीं है, हमारा नंबरिंग सही है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हमारा ये नंबरिंग जो है वो हमारा सही नंबरिंग है। तो ये वाला हमारा सही है, ये हमारा गलत है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को नाम लिखना है, तो क्या है इसका पूरा कंपाउंड कितने हो गए, नंबर ऑफ वर्ड कार्बन कितने हो गए, ऑक्ट हो गए, ठीक है, ऑक्ट हो गए। अब यहाँ पे हम लोगों को प्राइमोसिपिस लिखना है, प्राइमोसिपिस में क्या होगा, वन पहले डबल बॉन्ड्स के बारे में लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड्स के बारे में लिखेंगे। ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स उसके बाद में होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड्स का प्राइमोसिपिक ई एन ई होता है और ट्रिपल बॉन्ड्स का वाई एन ई होता है, तो ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वाई से पहले आता है, इसलिए उसको प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। तो उस तरह हम प्राइमोसिपिक्स लिखेंगे, वन फाइव डाई इन लिखते हैं और इस प्लेस में थ्री पे ट्रिपल बॉन्ड्स आया है, तो थ्री वाई एन ई लिखें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाला बात है कि जब जानते हैं हम लोग ई और वाई ऐसे साथ में नहीं आएगा, ई यहाँ पे जब भी वाई अगर ऐसे आएगा तो ई यहाँ का ड्रॉप हो जाएगा, तो ई वाला यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसे केस में वन फाइव डाई आप लोग शायद देखना रहा वन फाइव डाइन थ्री वाई एन ई, वन फाइव डाइन डी आई ई एन डैश थ्री डैश वाई एन ई इसका होगा सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स तो होगा साइक्लो होगा। इस तरह हम लोग अगर पूरा इसका नाम लिखते हैं तो ऑक्ट होगा, वन फाइव ये समझ रहे हैं ना, साइक्लो ऑक्ट वन फाइव टाइम थ्री वाई एन ई, साइक्लो सी एल सी वाई सी एल ओ ऑक्ट, यहाँ पे एक ओ छूट रहा है, साइक्लो ऑक्ट वन फाइव टाइम थ्री वाई एन ई। तो इससे हम लोग देख लिए बहुत सारे कंपाउंड्स का, और भी कंपाउंड्स आगे सीखेंगे। इसमें मेनली हम लोग सीखना था कि प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज करते हैं या साइक्लो कहीं पर है, और कैसे नंबरिंग्स करते हैं। तो नंबरिंग करने का सबसे बहुत सारे कंपाउंड्स में अगर कन्फ्यूजन हो आपको, तो जो बेसिक था वो तो हम बता दिए, लेकिन जितने पॉसिबल तरह से आपको नंबरिंग करना है वो नंबरिंग करके पहले चेक कर ले, उसके बाद कंपेयर करें कौन सा पॉसिबल वे हमारा नंबरिंग सही है। तो वैसे कि इसमें डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी हम लोग ट्रिपल बॉन्ड्स से पहले देंगे, हमसे डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड्स से। और जब भी हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं तो डबल बॉन्ड्स का जो इन होता है उसको पहले लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स का वाई यानी बाद में लिखते हैं, और नंबरिंग भी पहले एड्रेस करते हैं डबल बॉन्ड्स वाले को, ट्रिपल बॉन्ड्स वाले को बाद में। और जब भी ये नंबरिंग स्टार्ट होगा डाई लगेगा, डी डाई या ट्राई टेट्रा अगर इन में लगा, इन तो पहले आएगा, तो वैसे केस में हम लोग वर्ड रूट का ए को हम लोग को एड करना होता है। तो यहाँ पर क्या डाई यूज हुआ है, यहाँ पर डाई यूज हुआ है, तो वर्ड रूट में क्या हमारा ए एड होगा इस केस में, तो इस केस में अगर ऑक्टा होगा, यहाँ पे ऑक्टा होगा, ये सब चीज याद रख जाना है, ये सब चीज आदमी मिस कर जाता है। और ऐसा केस होगा जहाँ पे डाई
इन नहीं होगा, मतलब डबल बॉन्ड्स दो बार नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड्स दो बार होगा? तो वैसे केस में डाई वाई एन ए यहाँ पे लगेगा, और जब डाई वाई एन ए इस प्लेस में लगेगा तो हमारा ई यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ है वो ई ड्रॉप नहीं होगा, तो ई अगर ड्रॉप नहीं होगा तो वैसे केस में हमारा वर्ड रूट में ए भी नहीं लगेगा, क्योंकि ए क्यों लगता है जब यहाँ डाई ट्राई टेट्रा, अगर प्राइमरी सफिक्स पूरे पूरे प्राइमरी सफिक्स को देखेंगे, ये डाई या इन या वाइन को नहीं, पूरे प्राइमरी सफिक्स को देखेंगे, अगर वो डाई ट्राई या टेट्रा स्टार्ट हुआ है तब वर्ड रूट में हम लोग ए लगाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर वो यहाँ इस प्लेस में सिर्फ डाई या ट्राई या टेट्रा लगा हुआ है तो हम लोग वर्ड रूट में ए एड करेंगे। अगर यहाँ पे अगर डाई ट्राई टेट्रा कुछ लगा हुआ है तो ऐसे केस में वर्ड रूट में ए एड हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पूरे प्राइमरी सफिक्स में देखना है, उसके स्टार्टिंग्स में प्राइमरी सफिक्स के पूरे प्राइमरी सफिक्स के स्टार्टिंग्स में डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ लगा है तभी हम लोग वर्ड रूट में ए एड करेंगे। कुछ भी ऑक्टा पेंटा ऐसा कुछ होगा, हेक्सा ए लगेगा, और ऐसा अगर पूरे प्राइमरी सफिक्स के स्टार्टिंग्स में अगर यहाँ पे लगा हुआ है तभी लगेगा, अगर यहाँ लगा हुआ है तो डाई ट्राई मतलब टेट्रा अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो वैसे केस में हम लोग ए एड नहीं करेंगे, अगर लगा हुआ है यहाँ पे तो वैसे केस में हम लोग ए एड नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ई यहाँ का जो ड्रॉप होता है, जो इन का ई यहाँ पे दिख रहा हो, इन का अगर ई अगर ये ड्रॉप होता था वो ऐसा ड्रॉप नहीं होगा, उसको मतलब ई को हम लोग नहीं हटाएंगे, ई रहेगा अगर वाई एन ई से पहले डाई ट्राई टेट्रा ऐसा लग गया तो, क्योंकि पांच लेटर्स बताया है, पांच लेटर्स अगर स्टार्टिंग्स होगा, पांच लेटर में से कोई एक लेटर होगा ए ई ओ यू वाई, ये पांच लेटर से कोई एक लेटर से कोई भी किसी लेटर से स्टार्ट हुआ तो वैसे केस में ई वहां से हट जाता है। ऐसे हमको बता दे रहे हैं कि वाई ए नहीं होगा या ई ए नहीं होगा, तो वाई ई हमेशा रहेगा ही, तो अगर इससे अगर वाई से स्टार्ट हुआ तो वहाँ ई हट जाएगा। तो इतना तरह से पॉसिबल वैसे हम लोग देख सकते हैं, वैसे प्राइमरी प्रीफिक्स को देख सकते हैं, और प्राइमरी प्रीफिक्स में मेनली हमें समझ आता साइक्लो यूज करते हैं और सारे एग्जांपल्स को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कैसे कैसे लिखा जाता है, और हम लोग आगे समझेंगे बहुत सारी चीज़ों को, सेकेंडरी प्रीफिक्स को समझेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स को समझेंगे, और इस केस में हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे वर्ड रूट होता है, इसके बगल में प्राइमरी प्रीफिक्स होता है और उसके बगल में प्राइमरी सफिक्स होता है। सेकेंडरी वाला ऐसा कन्फ्यूजन से माइंड मत लगेगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पांच क्या है, सीरियल क्या है, पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, ऐसा नहीं है। बीच में क्या होता है, वर्ड रूट होता है, उसके बगल में प्राइमरी होगा, जो भी होगा प्राइमरी होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा, और सफिक्स क्या होता है, बाद में होता है, प्रीफिक्स पहले होता है, प्रीफिक्स सुनने में प्रीफिक्स लग रहा है, प्री मतलब पहले और सफिक्स बाद में, एस मतलब बाद में, जैसे पी पहले आता है, प्रीफिक्स पहले, वर्ड रूट हमेशा बीच में रहेगा। उसके पहले अगर सोचना है कि पांच जो आईओपीसी में होता है, पांच चीजें होता है, पांच चीज से मिलकर बना होता है, तो पांच चीज का सीरियल कैसे होता है, क्योंकि आईओपीसी में कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, अगर उसमें होगा तो, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे, अगर उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स होगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, अगर सेकेंडरी सफिक्स होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं छोड़ देंगे, लेकिन सबको अपने पोजिशन से लिखेंगे, अगर होगा तो लिखना होगा। अगर ऐसा कैसे भी सकता है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स हो और प्राइमरी प्रीफिक्स ना हो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, लेकिन सबको अपने पोजिशन पर लिखना है। तो ऐसा कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि प्राइमरी प्रीफिक्स पहले था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले था, तो हमेशा रखना है कि पहले बीच में पाँच होता है, पाँच का बीच क्या होता है, थर्ड नंबर हमेशा बीच में आता है, हमेशा थर्ड नंबर बीच में आता है, ऐसे थर्ड नंबर हमेशा बीच में आता है, और उसके जो बगल में होगा वो प्राइमरी होगा, और जो सबसे लास्ट में होगा वो सेकेंडरी होगा, जो लास्ट में होगा वो सेकेंडरी होगा, यानी यहाँ पे आया, यहाँ पे ये हमारा बीच में है, सबसे बड़ा वाला जो फिंगर है ये हमेशा बीच में है, ये बीच में है, इसके जो बगल्स में होगा ये वाला हमेशा प्राइमरी होगा, और जो लास्ट में होगा वो सेकेंडरी होगा, ये हमेशा इस तरह जैसे हम लोग समझ सकते हैं, मतलब आइडिया थोड़ा सा कन्फ्यूजन कभी ना हो कि प्राइमरी सेकेंडरी लिखने में, कभी कभी बहुत सारे लोग यहाँ पे प्राइमरी लिखते हैं सेकेंडरी लिखते हैं और यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी, तो ऐसा कुछ कभी हो जाता है, तो हमेशा याद रखना बीच में हमेशा वर्ड रूट होगा, उसके बगल में प्राइमरी होगा, और पहले वाले में प्रीफिक्स होता है, फिर लास्ट में जो वर्ड रूट के इस साइड आता है वो सफिक्स होता है, सफिक्स होता है, और जो पहले साइड वाले में प्रीफिक्स होता है, तो वर्ड रूट के पहला स्टेप में प्राइमरी होगा, सेकेंड स्टेप में सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, इस केस में पहले केस में वर्ड रूट के राइट साइड में पहले में प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर उसके राइट साइड में सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, लेकिन वर्ड रूट के लेफ्ट साइड में प्राइमरी प्रीफिक्स पहले आएगा फिर सेकेंडरी आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी, इधर भी वर्ड रूट के राइट साइड में प्राइमरी सेकेंडरी, इस तरह ही तो हम लोग याद कर सकते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स,
सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह हम लोग वर्ड रूट के बारे में पढ़े हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है वो जाने, सिचुएशंस होता है, अनसिचुएशंस होता है, डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स को कैसे जनरेट करते हैं किसी नेम में और किसी और यूनिट कंपाउंड में दिया गया है। वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ साइक्लो के बारे में बताता है, साइक्लस कंपाउंड्स में है या नहीं है, अगर है तो साइक्लो यूज करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस में। और अभी हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ेंगे, अब उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स पढ़ेंगे। ये सब कुछ हम लोग ब्रॉड व्यू में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमें डिटेल्स में बहुत सारा स्टडी करेंगे, स्पेशल केसेस वगैरह लेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे, जितना ही पॉसिबल तरह से नेमिंग किसी भी कंपाउंड्स का हो सकता है, और सारे कंपाउंड सारे केस को लेंगे और हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में समझेंगे।